अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बास। दोस्तों, किंग बाबर आजम ने कमाल कर दिया। नेपाल वाले जो शुरू में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहे थे कि हम लोगों ने पाकिस्तान को जल्दी आउट कर दिया, लेकिन बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की जो पार्टनरशिप लगी है वो तो कमाल ही कर दी। और बाबर आजम ने 151 रन किए। सबसे पहले बाबर आजम के लिए एक सब्सक्राइब कर दी। साथ ही साथ आज की वीडियो में आप सब ये इनिंग्स भी देख रहे हैं बाबर आजम की, ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। और साथ ही साथ मैं आप सबको बता देता हूँ कि बाबर आजम ने 3 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वो रिकॉर्ड कौन से हैं आज की वीडियो में आप सबको ये भी बता देता हूँ। रिकॉर्ड नंबर वन दोस्तों ये है कि बाबर आजम ने हाशिम अमला, साउथ अफ्रीका का जो बैट्समैन है हाशिम अमला, जो कि अभी रिटायर हो चुका है, उसका एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो रिकॉर्ड ये था कि बाबर आजम ने सबसे फास्ट 19 सेंचुरीज की हैं, वो भी सिर्फ 102 इनिंग्स में, और हाशिम अमला ने की थी 104 इनिंग्स में। तो बाबर आजम के लिए एक थम्स अप तो वैसे बनता ही है। और बाबर आजम पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे कामयाब सक्सेसफुल कैप्टन बन चुका है, इसके लिए भी बाबर आजम के लिए सब्सक्राइब कर दे। और बाबर आजम ने लास्ट 20 इनिंग्स में 1350 की हैं और 2 सेंचुरीज की हैं, और जो कि आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी ने भी इतनी लास्ट 20 इनिंग्स में इतने रन नहीं किए जितने बाबर आजम ने कर लिए, और जितनी बाबर आजम ने सेंचुरीज की हैं, 50 की हैं। बाबर आजम के अगर आप सब फैन हैं तो प्लीज़ आप सब दोबारा कहता चलो कि चैनल ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज जो बाबर आजम ने इनिंग्स खेली है, विराट कोहली ने भी अप्रिशिएट किया बाबर आजम को और कहा है कि मुझे लगता है कि बाबर आजम मेरे लेवल का आएगा, और मुझे लगता है कि बाबर आजम बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि बाबर आजम की जो फॉर्म थी ना वो बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास थी। एशिया कप के पहले मैच में मतलब धमाकेदार एंट्री हुई है बाबर आजम की। आज की वीडियो बस इतनी ही थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।